गाजियाबाद में जानते हैं आज से क्लासेस शुरू हो गई। आप चौंक गए होंगे, स्कूल तो बंद है तो क्लासेस कैसे शुरू हो गई। दरअसल गाजियाबाद में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए एक चीज बहुत प्राथमिकता में है कि बच्चों के कोर्स छूटे नहीं और बच्चे पढ़ाई से वंचित न रह जाएं। इसलिए गाजियाबाद में अब धीरे धीरे करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए एक साथ बच्चों से उनके घरों में ही कॉन्टैक्ट किया जाता है, उन्हें क्लासेस दी जाती हैं, उनका फीडबैक लिया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस की रिपोर्ट दे रहे हैं गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी। और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होती और नए सेशन की भी शुरुआत कुछ क्लासेस में हो गई होती, लेकिन ये पढ़ाई सफर ना हो इसके लिए वर्चुअल स्कूल आज से पूरी तरह से ओपन कर दिए गए हैं और वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे सामने ये डीएवी स्कूल है और डीएवी जैसे तमाम जो स्कूल हैं उन्होंने आज से वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर आपको बताएं तो बच्चे घर पर बैठकर ही स्टडी कर सकते हैं और उनके जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन माध्यम से उन्हें पढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमने जो जानकारी जुटाई उसमें ये पता चला कि बकायदा सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक पढ़ाई होती है। बच्चा अपने घर में बैठा होता है और टीचर अपने घर से बैठकर उन्हें पढ़ा रही होती हैं। 8वीं क्लास की ही अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई सुचारू रूप से उसी तरह से हो रही है जैसे स्कूल में हुआ करती थी। हर पीरियड की जो टीचर हैं वो वर्चुअल माध्यम से बच्चे के सामने आती हैं और बच्चे को पढ़ाती हैं। पूरी क्लास ऑनलाइन ट्यूटोरियल सिस्टम के माध्यम से पढ़ती है। बस फर्क इतना होता है कि बच्चे क्लासरूम में नहीं होते, अपने घर में होते हैं और जाहिर है ऐसे में जो बच्चों की स्टडी है वो सफर नहीं हो रही है। ये माध्यम बेहद अच्छा है और आज 1 अप्रैल को कई स्कूलों ने ऐसा कह दिया है कि तमाम जो बच्चे हैं वो स्टडी चालू रखें और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इसी तरह से पढ़ेंगे और जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे तो वो सुचारू रूप से स्कूल आना शुरू कर देंगे। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि एक तरफ जहां ऑनलाइन संबंधित टेक्नोलॉजीज का कई बार हम देखते हैं कि नेगेटिव इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक सकारात्मक इस्तेमाल नजर आ रहा है जिससे बच्चों की जो स्टडी है वो भी सफर नहीं हो रही और नए सेशन की पढ़ाई भी वो बखूबी कर पा रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।